हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत से स्टूडेंट के क्वेश्चन थे कि मैम, अगर हमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको अगर हमें कंटिन्यू करना है तो उसके लिए कौन सा एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है, उस एग्जाम का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, उस एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हर साल कब रिलीज होता है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन थे जिनको लेकर स्टूडेंट जो है वो बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थे। तो आज के वीडियो में हम कंप्लीट ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीएचयू के नाम से जाना जाता है, अगर आप उस यूनिवर्सिटी से अपनी बीएससी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको कौन से एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उस एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, ठीक है, उस एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक रिलीज होगा, उसके अलावा जो कट ऑफ क्राइटेरिया होती है या फिर जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है वो किस तरीके से प्रिपेयर होती है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अगर आपको बीएससी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करना है तो जो कंप्लीट जो प्रोसीजर है उसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट इस बात को लेकर भी परेशान है कि मैम, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अगर बीएससी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करना है तो क्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा? तो आप में से जो भी स्टूडेंट जो इस बात को लेकर परेशान है कि अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करना है तो बीएचयू बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो पहले 2 साल पहले कंडक्ट करवाया जाता था, ठीक है, ये एग्जाम जो है वो बीएचयू के द्वारा एक सेपरेट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था, जिस एग्जाम के थ्रू जो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हैं वो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते थे, इस एग्जाम को क्रैक करके बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेते थे और बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपनी जो बीएससी नर्सिंग की डिग्री है उसको कंटिन्यू करते थे। लेकिन अभी जो रूल्स हैं उनमें कुछ चेंजमेंट हुए जिसकी वजह से पिछले साल से जो एडमिशन प्रोसीजर है वो थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है। अब जो नए रूल्स बने हैं, जो नया चेंजमेंट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग कोर्स को कंटिन्यू करना है तो उसके लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो है वो अब कंडक्ट नहीं कराया जाता है। यानी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा जो सेपरेट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था उसको बंद कर दिया गया है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर वो एंट्रेंस एग्जाम बंद कर दिया गया तो अब एग्जाम जो एडमिशन प्रोसीजर है वो कौन से एग्जाम के थ्रू होगा, ठीक है। तो अगर अब आपको यानी 2024 में या फिर आने वाली सालों में आपको अगर बीएचयू से अपनी बीएससी नर्सिंग की डिग्री जो है उसको कंटिन्यू करना है तो उसके लिए आपको एक सेपरेट एग्जाम जो है उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है, और उस एग्जाम का नाम है नीट एग्जाम। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है उससे अगर अपनी बीएससी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करना है तो आपको जो नीट एग्जाम जो नेशनल लेवल पर हर साल कंडक्ट करवाया जाता है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सभी स्टूडेंट नीट एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन जो है उसको स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर आप 2024 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको 2024 का जो नीट एग्जाम है उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके लिए आपको नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी होगी क्योंकि नीट एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अब कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाला है, ठीक है, और एग्जाम जो है वो मई 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट जो सोच रहे हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू करें तो उन सभी स्टूडेंट को नीट एग्जाम जो है 2024 का उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और फिर जब आपका नीट 2024 का जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद आपको बीएचयू के द्वारा जो बीएससी नर्सिंग के लिए फॉर्म रिलीज होगा आपको वो फिल करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बेसिस पे क्या होगा कि आप जैसे बहुत से स्टूडेंट जो बीएचयू से बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करने वाले हैं तो वो बीएचयू का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करेंगे और उसी के बेसिस पे क्या होगा कि नीट एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार होगी, ठीक है। जब वो मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी तो उसके बेसिस पर जो कट ऑफ क्राइटेरिया है वो डिक्लेयर होगी, तो कट ऑफ की जो मेरिट लिस्ट होगी उसी के बेसिस पर आपका एडमिशन बीएचयू में बीएससी नर्सिंग कोर्स में होगा। तो आप में से जो भी स्टूडेंट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग कोर्स को कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं कि जो हम बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो क्यों ना हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपनी बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करें, क्योंकि बिल्कुल आपने बहुत ही सही डिसीजन लिया है, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और मेडिकल
के फील्ड में एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। टॉप मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनमें BHU का नाम आता है। तो अगर आप अपनी BSc नर्सिंग की डिग्री जो है वो BHU से कंटिन्यू करते हो तो ये आपके करियर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट साबित होगा। तो आपका ये डिसीजन बहुत सही है कि आप BHU से BSc नर्सिंग की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से BSc नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो नीट एग्जाम 2024 में पार्टिसिपेट करें और फिर नीट एग्जाम के कट ऑफ के बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार होगी और फिर आपका एडमिशन प्रोसीजर जो है वो आगे कंटिन्यू होगा। नीट एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फरवरी या फिर मार्च में फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा और ये एग्जाम जो है वो मई 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप जो अपनी प्रिपरेशन है वो अभी से स्टार्ट कर दे तो आपके लिए तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर देंगे तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आप ये बिल्कुल ना सोचें क्योंकि BSc नर्सिंग के लिए हमें एडमिशन लेना है तो नीट में जो मेरिट लिस्ट है उसकी जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम रहेगी। BSc नर्सिंग फील्ड में भी कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करें जिससे आपका एडमिशन जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही BHU में हो जाए और फिर आप वहां से अपनी BSc नर्सिंग की जो डिग्री है उसको आप कंटिन्यू कर पाए और नर्सिंग फील्ड में एक बेटर फ्यूचर जो है उसको बना पाए। अगर BSc नर्सिंग फील्ड में जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स है या फिर जो भी प्रिपरेशन है या जो भी सिलेबस है किसी भी एग्जाम का अगर उससे रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।